طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Kıymetli şeylerin onları elde etmek için çok बहुत सारे दुश्मन हैं जो कीमती चीज़ें लेना चाहते हैं, चाहे ये जवाहरात हों, पैसा हो या जायदाद हो। दुश्मन हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि उनको कैसे छीने। सबसे कीमती चीज़ है ईमान, और सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान। वो आपका ईमान छीनने में हर वक्त लगा रहता है। वो कोशिश करता रहता है हर वक्त के आपसे ले ले। तो किसी वजह से मुसलमानों में एका नहीं है, वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, उनमें हमेशा इख्तलाफ रहता है। लेकिन जो गुमराह हैं, जो बिना ईमान के हैं, वो इकट्ठा हैं, क्योंकि उनके पास कोई कीमती चीज़ नहीं है। और चूंकि उनके पास कोई कीमती चीज़ नहीं है, शैतान कहता है कि ये तो पहले से ही मेरे हैं, और उन तक नहीं जाता। वो वैसे भी शैतान से बदतर हैं, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई नहीं आता। वो कहता है ये ऐसे ही हैं जैसा मैं इनको चाहता हूँ। ये ईमान वाले लोगों के और मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। हम एक ही रास्ते पर हैं। उनके लिए कोई डर की बात नहीं है। हमें ये कीमती चीज़ अपने दुश्मनों से छीननी है और उन्हें ऐसे हालात में ले आना है। हम इसको एक रूहानी मिसाल देकर बता रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में मादी तौर पर भी ऐसा ही है। जहाँ भी कोई चीज़ कीमती होती है, शैतान के लोग वो मांगते हैं और भागते हैं उसे लेने के लिए। वो इस कीमती चीज़ को लेते हैं और लोगों पर मुसीबत आती है। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मुसीबत लाती है, लेकिन कुछ चीज़ें कीमती हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी है। सोना, तेल, ये और वो, उनके तो बहुत दुश्मन हैं, ये जाहिर है। जहाँ भी ये कीमती चीज़ें हैं इस दुनिया में, वहाँ पर लोग मज़लूम हैं और उनसे ये चीज़ें ले ली गई हैं। गरीबी है बस इसी वजह से। उनके आगे पीछे सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं। दुश्मन ने सारी चीज़ें ले ली हैं। ईमान ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। इसके बहुत दुश्मन हैं। जैसे हमने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, नफ्स है। हमें होशियार रहना है और बिना गिरे चलते रहना है। हमें इसकी हिफाजत करनी है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। ये नमाज पढ़ने से महफूज रहता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के रास्ते पर चलने से और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने से महफूज रहता है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। हम इस दुनिया की गंदगी की ख्वाहिश ना करें और अपनी कीमती चीज़ जो हमारे पास है उसे ना खो बैठे। इंशाल्लाह। अमीन। अल्लाह तौफीक अल फातिहा।